नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरीके की हलचल हुई। इसके साथ साथ जो आज हमने आपको स्टॉक रिकमेंड करे थे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आज क्या हुआ, और उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि मैंने जो ट्रेडिंग करके जो पैसा कमाया था, जो लास्ट मंथ में मैंने जो ट्रेडिंग करके पैसा कमाया था, जो मैंने सैटरडे की वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने 462,000 का प्रॉफिट किया था, तो आज कुछ मैंने 440,000 रुपये के आसपास की मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी थी। यानी कि जो ट्रेडिंग का जो पैसा था, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने जो पैसा कमाया था 4.5 लाख रुपये के आसपास, वो आज मैंने उसके शेयर खरीदे हैं। उन पैसे के दोस्तों मैंने शेयर खरीदे हैं, और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से शेयर्स में मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है। तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे जो दो स्टॉक आपको आज हमने रिकमेंड किए थे उनके बारे में भी दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको भी लाइव मार्केट भी फ्री अपडेट लेनी है, जैसे कि एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो कि पब्लिक है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जब भी लाइव मार्केट में कोई भी पैटर्न बनते हैं हम उसकी फोटो क्लिक करके वहां पे पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको जाना है, लिखना है चार्ट एनालिसिस। यहाँ पे देखिए दोस्तों चार्ट एनालिसिस, ये चार्ट एनालिसिस ये लोगो हमारी पहचान है, जल्दी से जाके दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब भी लाइव मार्केट में कोई भी पैटर्न बनेगा हम उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों और बताते हैं कि आज कौन सा ऐसा स्टॉक था जो हमने आपको रिकमेंड किया था। तो आज हमने आपको दो स्टॉक रिकमेंड किए थे। पहला स्टॉक था SBI। SBI में एक पैटर्न बना था मॉर्निंग स्टार, जो कि 4 घंटे के चार्ट पे बना हुआ पैटर्न था, और 4 घंटे के चार्ट पे जब ये पैटर्न बना था तब इसका जो रेट चल रहा था, जो इसका भाव था, वो था 155। अब इसके चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके नज़र मारते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ SBI में उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक चला नहीं था, उसके बाद ये स्टॉक 152 रुपये तक आ गया था। तो जल्दी से दोस्तों इस स्टॉक का हम रिव्यू कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि जब ये पैटर्न बना था, ये 4 घंटे में बना हुआ पैटर्न था, ये मैंने इसको पूरा जूम कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये 4 घंटे में बना हुआ पैटर्न था जिसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आज मार्केट में कोई खास पैटर्न देखने को नहीं मिल रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे ट्रेड बनाया था। अब हमने भी 155.50 रुपये के आसपास बाय किया। इसका जो स्टॉप लॉस बनता था वो बनता था 151.10 का, बट जो SBI ने लो बनाया है वो लो बनाया है 151.50 का। वो स्टॉप लॉस था इसका 151.20 के आसपास का, यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो 30 पैसे से बच गया था, बट हमने अपनी पोजीशन फिर लास्ट 320 पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो कुछ 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का हमें SBI में लॉस हुआ था। दूसरा जो स्टॉक था जो हमने आपको बताया था, वो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा था, तो उसको हम दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वो था हैवेल्स। हैवेल्स में दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न बना था, यहाँ पे देखेंगे ये हैवेल्स में पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं दोस्तों हैमर। यहाँ पे देखते हैं, ये पैटर्न था जिसको बोलते हैं हैमर। हैवेल्स में दोस्तों ये पैटर्न बना था यहाँ पे H4 में। अब मैंने भी क्या करा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय में बना ली थी, और हमने भी इसको कुछ 480 के आसपास रिकमेंड किया था बाय करने के लिए, बट दोस्तों एक गलती हमसे भी हुई यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कई बार बोला है कि जब भी कोई पैटर्न बने 4 घंटे या डेली के चार्ट में, तो एक बार 30 मिनट के चार्ट पे भी देख लीजिए। तो वहाँ ये गलती हमसे हुई थी, और हमने भी अपनी पोजीशन बाय में बना दी थी, क्योंकि दोस्तों इसका 30 मिनट के चार्ट पे जब जाते हैं, तो जब इसका हाई बना था जहाँ पे हमने 4 घंटे के हिसाब से हमने बाइंग करी थी, वहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ पे है बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, और यहाँ पे ये शॉर्ट बनता था जहाँ पे हमने बाय करा था, वहाँ पे एक्चुअल में ये शॉर्ट बनता था छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये गलती हमसे हुई थी, बट अगर मैं बात करूँ इसके 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे के चार्ट पे दोस्तों मैं अगर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो स्टॉप लॉस है अभी कटा नहीं है, तो यहाँ पे 462 के आसपास भी अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, और इसका जो दोस्तों स्टॉप लॉस बनता है वो 447 के आसपास का बनता है। तो ये रेट भी हैवेल्स में बाइंग का है, अगर कल आपको ये इसी रेट के आसपास मिलता है तो बाइंग करके दोस्तों आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि छोटा टाइम फ्रेम भी देखा करिए। ये गलती आज मेरे से हुई थी, क्योंकि आज मेरा एक वेबिनार था, तो उस वजह से मैं मार्केट को देख नहीं पाया। मैंने पोजीशन तो बना ली थी, बट मेरा एक वेबिनार जो मैं लाइव क्लासेस दे रहा था, तो इस वजह से दोस्तों इसको मैं ठीक से चेक नहीं कर पाया, तो ये गलती मेरे से हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, या कभी आप डेली चार्ट या 4 आवर्ली चार्ट पे जब भी कोई ट्रेड करेगा तो 30 मिनट के चार्ट पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट इसमें मेरी कोई खास क्वांटिटी नहीं थी, और मैंने बाइंग करने के बाद स्टॉक को देखा भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ दूसरे काम में थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था, तो ज़्यादा कुछ खास लॉस नहीं हुआ, बट मैं कल इसमें पोजीशन बनाऊंगा।
तो खैर अब ये बात हुई हैवल्स और SBI की जो आज हमने रिकमेंड करे थे। अब मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा कि जो मैंने प्रॉफिट लिया था उसमें मैंने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों आज मैंने 3 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है। पहला स्टॉक है रिलायंस, दूसरा स्टॉक है ONGC और तीसरा स्टॉक है IOC। ये 3 ऐसे स्टॉक है दोस्तों, इन स्टॉक्स में मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है जो मेरा ट्रेडिंग का पैसा था, जो मेरा स्पेयर मनी था, जो रखा हुआ था मेरे पास जिससे मैं ट्रेडिंग करता था, उनके आज मैंने स्टॉक उठा के रख लिए। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने क्यों लिए हैं स्टॉक, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं और ये 10-12-15 साल के लिए लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज खरीदे और मैं इसे कल बेच दूंगा। जो स्टॉक मैं खरीद लेता हूँ उसको मैं बेचता नहीं हूँ और उसको मैं बेचूंगा। जो मेरा अभी गोल है वो 10 या 15 साल के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई पैसा कमाए, ट्रेडिंग से पैसा कमाए, तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट उस पैसे से कर दे करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर महीने में आपने 20,000 रुपये कमाए तो 20,000 के शेयर खरीद के रख लीजिए। दोस्तों ये जो शेयर्स आप खरीद के रखेंगे, अभी आपको पता है ऑलरेडी स्टॉक्स के जो रेट हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं और कई ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी बढ़ भी चुके हैं। जैसे आप देखेंगे सिप्ला हो गया या फिर और भी फार्मा स्टॉक हैं जो काफ़ी बढ़ चुके हैं। दोस्तों अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी भी बॉटम पे खड़े हुए हैं और अच्छे रेट्स पे हैं दोस्तों। तो अगर उनका फंडामेंटल देख के आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो मैंने भी क्या करा, जो मेरा ट्रेडिंग का पैसा था उसके मैंने शेयर्स खरीद लिए। अभी मैंने आज शेयर्स खरीदे हैं तो आज तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो शाम को ही दोस्तों वो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे। तो कल के दिन मैं वो दिखाऊंगा, जब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो आगे शेयर करूंगा तो मैं वो शेयर्स आपको दिखाऊंगा कि ये शेयर्स मैंने आज खरीदे हैं। तो मैंने रिलायंस, IOC और ONGC ये 3 स्टॉक खरीदे हैं और अगले महीने जब भी मैं ट्रेड करूंगा और मुझे अगर पैसा बना, क्योंकि लास्ट मंथ तो बहुत अच्छा गया था ट्रेडिंग में, बहुत अच्छे पैसे बने थे हमें, अगर अगला महीना भी अच्छा रहा और वहाँ पे भी अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो भी मैं उसके शेयर्स खरीदूंगा और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के साथ अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे के वेबिनार में आपको फ्री दूंगा। तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, वहां जाइए, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और संडे का वेबिनार फ्री पाइए। एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिए ताकि मैं आपको संडे के वेबिनार में शामिल कर सकूं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।